दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन स्टोर से माइक्रो एसडी कार्ड्स मंगवा देते हैं तो कैसे पता लगाना है कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। मैंने फ्लिपकार्ट से माइक्रो एसडी कार्ड 64 GB का क्लास 10 एक्सी वर्शन लिया था, एक्सटेंडेड कैपेसिटी का, मगर वो मुझे डुप्लीकेट भेजा गया। मैं बताता हूँ बाद में आपको कैसे मुझे पता चला कि यह डुप्लीकेट था। और बाद में मैंने रिप्लेसमेंट भी मंगवाया, वो भी सेम निकला, और मुझे भेजा था द प्रिंस रिटेलर चेन्नई से, और वो भी मुझे डुप्लीकेट मिला, इसीलिए मैंने रिफंड मंगवाया। बाद में मैंने अमेजोन से बाय किया, वो मुझे ओरिजिनल कार्ड मिल गया। चलिए देखते हैं कैसे पता लगाना है ओरिजिनल या डुप्लीकेट। मेरे पास है 2 SD कार्ड, एक अमेजोन का और एक फ्लिपकार्ट का। ये राइट साइड का है वो डुप्लीकेट है, और लेफ्ट साइड का ओरिजिनल। एक पहले पैकिंग क्वालिटी से आपको पता लगता है कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि इसका प्रिंट देखिए, उसका कुछ खास प्रिंट नहीं है। और कैसे इसको पैक किया है, कोई गम चिपका के इसको पैक किया है, आसान तरीके से ये खुलता है, और अंदर का कार्ड भी उस सील्ड नहीं है, नहीं तो ये सील्ड रहना चाहिए, वैक्यूम सील्ड रहना चाहिए। और इसका तो बाकी का साइज और फिटमेंट वगैरह सेम रहेगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कैसे वैक्यूम सील किया है अमेजोन का कवर, जो ओरिजिनल है। चलिए देखते हैं, क्लोजअप करके देखते हैं कैसे पता लगाना है ये डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल। पहले पहले आप देखिए इसका प्रिंट क्वालिटी और पेंट क्वालिटी। डुप्लीकेट का शाइनिंग फिनिश होता है, और ओरिजिनल का उतना शाइनिंग नहीं है, जरा मैट फिनिश होता है। और इसमें लिखा है, मैंने जो ऑर्डर किया था 64 GB XC कार्ड, फ्लिपकार्ट ने सप्लाई किया HC कार्ड। दोस्तों, 64 में HC कार्ड नहीं होता है, सिर्फ 32 GB तक HC कार्ड होता है, हाई कैपेसिटी है। XC मतलब एक्सटेंडेड कैपेसिटी, 64 GB का डायरेक्टली एक्सटेंडेड कैपेसिटी ही होता है। और इसका प्रिंट क्वालिटी देखिए, जो सैंड डिस्क लिखा है इसमें इसके ऊपर, वो तो उसका फॉन्ट भी मैच नहीं करता है, आप वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। तो यही एक फर्क है, बाकी कुछ आपको स्पीड में ही फर्क पता चलेगा, वो बहुत 13 MBPS से ज्यादा नहीं होगा डुप्लीकेट SD कार्ड। थैंक यू।